गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं राजू कुमार गौन, आर्ट टीचर्स जेएनबी साहेबगंज। आज क्लास सेवेंथ में हम आप लोगों को कंपोजिशन बाय द इफेक्ट यूज ऑफ आउटडोर स्टडी फॉर्म शेप लाइन लाइट एंड सेट के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले कंपोजिशन बाय द इफेक्ट यूज ऑफ आउटडोर स्टडी। तो सबसे पहले जो टॉपिक से यूज ऑफ आउटडोर, तो हम जानेंगे आउटडोर होता है क्या है। तो आउटडोर का सबसे पहले कोई भी वस्तु जो रूम के बाहर जा कर के हम बनाते हैं उससे आउटडोर कहते हैं, आउटडोर पेंटिंग्स कहते हैं ना। एक होता है इंडोर स्टडी और एक होता है आउटडोर स्टडी। तो ये फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। एक इंडोर होता है तो रूम के अंदर कोई भी वस्तु होता है जैसे कि टेबल है, बोतल है, बेंच है, उन सब चीजों को अगर स्टडी करते हैं तो उससे इंडोर स्टडी कहते हैं। अगर हम रूम के बाहर जाकर के कोई भी वस्तु को स्टडी करते हैं, जैसे कि अभी हम बाहर जाएंगे, बाहर जाकर के स्टडी करेंगे, है ना, तो उससे आउटडोर स्टडी कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये मेरा दरवाजा है, तो दरवाजे के बाहर अगर हम जाएंगे और कोई भी, जैसे कि हम बहुत सारी चीज देख रहे हैं कि जैसे कि प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, ट्री है, पहाड़ है, उन सब चीजों को अगर हम स्टडी करेंगे उससे आउटडोर स्टडी कहते हैं। जैसे कि आउटडोर स्टडी में किसी भी वस्तु का पहले शेप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे कि ट्री है तो उसका जो शेप है उस किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, है ना। फिर उसके बाद से उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद से उसका लाइट एंड शेड देखेंगे। जैसे कि अभी हमको मॉर्निंग का टाइम है, 8 बजने वाला है, अभी लाइट का जैसे कि डायरेक्शन देख रहे हैं तो उसका जो लाइट का डायरेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद से जैसे कि हम आफ्टरनून देखेंगे तो उसका जो लाइट का डायरेक्शन होगा, उसका थोड़ा कलर का रिफ्लेक्शन होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर उस वस्तु को अगर हम शाम को देखेंगे तो शाम का जो वस्तु होगा उस समय भी कुछ डिफरेंट होगा। जैसे कि ये प्लांट देख रहे हैं तो उस प्लांट में देखिए कहाँ पे लाइट हो रहा है, कहाँ पे डार्क हो रहा है। तो इस प्रकार हम आउटडोर स्टडी नेचर्स में जा करके अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे कि किसी भी वस्तु का जो स्ट्रक्चर से शेप है उसका कैसा शेप होता है, कैसा रंग रूप होता है। फिर उसके बाद से हम शाम को उसी भी वस्तु को देखेंगे तो उसका जो रंग रूप है उतना डिफरेंट टाइप का होगा। क्योंकि बेसिकली जैसे कि हम अगर इमेजिंस करके कोई भी वस्तु को बनाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमको प्लांट बनाना है तो प्लांट देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का एक होता है कि प्लांट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर हम गौर से किसी भी वस्तु को देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट लेंगे तो प्लांट को अगर जाकर के हम स्टडी करेंगे प्लांट के पास, तो देखिए ये जो प्लांट है तो इसमें कहीं पे ग्रीन कलर से है, कहीं पे येलो कलर से है, कहीं पे डार्क ग्रीन है ना। तो इसमें बहुत सारा कलर का वेरिएशंस होता है। तो हम जब तक कोई भी प्लांट का गहन स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमको मालूम नहीं चलेगा कि प्लांट का जो कलर्स होता है किस टाइप्स का होता है, फ्लावर्स का जो कलर्स होता है किस टाइप्स का कलर्स होता है।